तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो हम कितनी सुबह सुबह उठ गए। तो हम इतनी सुबह सुबह तभी उठते हैं जब हमें कहीं जाना होता है। इफ यू गाइस नो मी वेरी वेल तो आपको पता होगा मेरा मुंह थोड़ा सोज रखा है, वो इग्नोर करना, क्योंकि ये भी आपको पता होगा कि सुबह सुबह उठ के मैं मोमो वाली लगती हूँ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और घूमने के लिए मतलब हम ऐसे एक जगह नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं तीन चार जगह। वो जगह आपको भी रास्ते में पता चल जाएंगी। इतनी सुबह सुबह उठी हूँ मैं क्योंकि मुझे खांसी हो रही है। तुम्हें पता 6:30 बजे उठा दिया था इन्होंने मुझे, मेरे कान पे अलार्म ट्रिंग 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 लगा दिया था इन्होंने। सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है यार ऐसे। तो इतनी ठंड हो रही है ना, ये देखो अपनी गाड़ी ना, वरना गाली लिख के भाग जाती। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और हमारे साथ पूरी फैमिली जा रही है। मम्मी पापा मैं मामा मामी दूसरे मामा मामी एक और मामा, और बस और हम लोग जा रहे हैं। मजा आ रहा है गाइस, रोड पे लोग बोल रहे हैं मैं पागल हूँ, समझते रहो मेरे को क्या है, मेरे को कुछ नहीं है। तो फिर चलते हैं। फिर अभी सामान वामान रख दिया है डिग्गी में, और मैं तो बाहर आके खड़ी हो गई हूँ, वो लोग भी अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। मामा तो आ गया है, मैं मिलाती हूँ आप लोगों को। हाय गाइस, बाय बाय। हाय बोलो। मैं बाइक पे जा रहा हूँ। बाइक पे जा रहे हैं एक्चुअली, थोड़े स्मार्ट है तो यानी शक्ल ऐसे आसानी से नहीं दिखाते। उसमें ये है ना, इसमें ये है माल्टे माल्टे। तो ये रखने पड़ते हैं भैया, उल्टी हो जाती है मेरे को बहुत। मेरे को मोशन सिकनेस नहीं होती, मेरे को कार सिकनेस होती है। तो माल्टे, ओए चादर लेके आ गया। तो आ गए सब लोग सहारनपुर होते हुए। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो बाय। हाँ हम निकल गए हैं यहाँ से नानी के घर के आगे से जर्मनी। और हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? जिस रास्ते से तेरे को बुलाई थी दादी। He is a very lame comedian. Yeah. Like your face. So lame. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह सुबह मेरे काउंटर बाहर नहीं आते ब्रो। काउंटर मान जाते, काउंटर पे बैठने लड़की चुप रहे। जी काउंटर में बैठे लाइक भी नहीं है तू। इसलिए बुद्धि चाहिए। हो गया, कोई नहीं, चेंज करेगा आगे पीछे। मामा तो मैं बहुत साल पहले गया, वो अलग ही बात। खांसी हो रही क्या होगा लोग में? खांस ले हमारे मुंह पर ना, खांसी हो बस रात भर खांस करते परेशान करते हैं। अभी भी हो रही क्या? हम बॉस के साथ जाते थे तो। यहाँ पे लंगर हो रहा है अभी, हम यहाँ पे रुके हैं, और बस ये लोगों ने यहाँ पकौड़े ले लिए उनसे। जब घर वालों के साथ आगे मेरा लंगर में खाना है तो मैं दोस्तों के साथ आ जाती। ये लोग चाय लेके आए, चाय लेके आए। कहाँ से लाते हुए चाय? सुनना चाय 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 नैपकिन दे। अरे नैपकिन दे, अभी दे तो मालिक। चाय पास करना, पकड़ ना अपने हाथ पकड़े, पकड़ ना पास। नहीं कर रहा है, अकेले पीनी है। सिस्टम है भाई, मैं नहीं पीती। और कुछ पनीर के है? और पनीर ना बस, हो गई थे तुम ले ले कॉफी है। एक काम करेगी, कॉफी और चाय मैं दोनों पीती हूँ, पर मेरा मन नहीं था इसलिए। गरम करके पिलाओ, थोड़ा सा बाहर उतर जा, उतर से थोड़ा सा बाहर। अरे यार, तो यहाँ पे लंगर हो रहा था, यहाँ पे हमने चाय पकौड़े तो खा लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चाय वाय चाय चाय बढ़िया मस्त, चाय बढ़िया। पैर दर्द हो गए, चश्मे फ्लॉन्ट कर रही हूँ।
और अब मैं आगे बैठूंगी, इन्होंने मुझे परेशान कर दिया, पता है तब से आगे पीछे करने लगे, अब मैं आगे बैठूंगी। बढ़िया चाय पकौड़े, इट वाज नाइस नाइस या फ्री में सब कुछ आता गाइस एवरीथिंग, हमारा स्पॉन्सर एकदम ठंडा है पर चाय वाज वेरी नाइस, चाय बहुत बढ़िया थी, पकौड़े में खाती चाय वाज वेरी, आज इंग्लिश बोल गई है ठीक है, चाय वाज वेरी नाइस गाइस नाइस नाइस या गाइस। अभी वहां से तो निकल गए थे, रास्ते में फिर से लंगर लगा था, क्या है छोले कुलचे, छोले कुलचे दे दिया हम सबको, हमारा तो खर्चा बच गया रास्ते का, मेरा तो क्या हमारा खर्चा नहीं, ये सवाल लगता है फिर वो इन्फ्लुएंसर कैसे अटकाते हैं अपना फोन, ये बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल बढ़िया खाना बनाता है, साफ जरूर है, हाँ बिल्कुल टेस्टी भी होता है, नहीं तो चाय तो खराब सी बना देते, कोई नहीं पीता, चाय अच्छी थी, ब्रेकफास्ट हो गया वो भी हो जाएगी, मैं कल जाऊंगा अच्छा, और बाय द वे टाइम क्या हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री से मिलने तभी इतने में जवाब दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है इग्नोर हिम रिपोर्ट हर अनसब्सक्राइबर हम सुबह से निकले हुए मेरी आंखों में आपको बेस्ती पसंद है, कमेंट टेबल रखनी चाहिए भाई, ये भी खा लो, ये तो बेल्टी मुझे इसलिए पसंद है, अरे भाई पेल देंगे मामा लो, ना ना बस भाई कोई तो पकड़ो, आप खा लोगे, ये सब खा लेते हैं, हमारे घर में कुछ भी, हमारे घर में कुछ भी खाना बचता है हम पापा को, नया होगा तो रोकना बस, ये हमारे घर का डस्टबिन है, हमारे घर में कुछ भी बचता है अंट संट हम पापा को खिला देते हैं, तो ही रोकना तभी रोक ले, पापा कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी खा लेते हैं, जो देते हैं ना जो कुछ भी खाते हैं, मैं कुछ छोड़ती पापा खा लेंगे, मम्मी कुछ छोड़ती पापा खा लेंगे, और कुछ काम मेरे पापा का पेट बहुत ज्यादा है गाइस, ऐसे मेरे पापा थोड़े मोटे हैं पर दिल के अच्छे हैं, बोले क्या 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 लस्सी मांग रहा है जो भी लाओगे 2000 लस्सी थी क्या उधर, लस्सी देंगे लस्सी मिलेगी, लस्सी देते मग्गा छोटी बाल्टी टेबल बैठने के लिए चौकी, स्वच्छ भारत अभियान गाइस फॉलो करो मेरे को, मायोनीज मिलेगी, मायोनीज कहना क्या था, मायोनीज भाया माया मायोनीज दे दो, मनीष की चटनी खा के मायोनीज मनीष कौन है, मेरी मौज का लड़का, मौज का लड़का तेरे गोलगप्पे वाला, उसका नाम मनीष है, उसका नाम मनीष है, मनीष अरे तो हम रुके अभी ढाबे पे और शक्ल की बैंड बच चुकी है, बैंड अभी ढाबे पे रुके हैं, कुछ खाते हैं यार, भूख लग गई सुबह से, पता है ऐसी चल रखी हूँ मैं, थोड़ा सा लंगर से थोड़ा इधर उधर का खा, हाँ तो पागल बच्चे नहीं होने चाहिए आपके जीवन में, ऐसे
तो अब हम कुछ मंगाते हैं खाने के लिए। तो ये है रोटी, ये है दाल मखनी और ये है जीरा आलू। अब इसको इसका टेस्ट भी देते हैं। उस टाइम जिस टाइम तुम मिले थे उसको हेलो बहुत ज्यादा गर्म है दीदी। भैया मेरी वीडियो बना दे। हां हां एक एक दो रोटी और अभी से खाएंगे। दूसरे भी आने को काम करें, भी हम काम करें। बाल बाल ठीक करे यार, अब खाना वाना खा लिया। बढ़िया यार पंजाब, मैंने बताया ना पंजाब में, पंजाब में है हम। तो भोलेनाथ जी बने उधर दूर कहीं गगन में दिख रहे हैं। बोलने चूतिया कुछ मैं सोच के कुछ बात करती हूँ यार तुमसे। पहली बात तो ये कि तुम मेरे व्लॉग्स आजकल देख नहीं रहे हो शायद। यहाँ पर आके मैं सिल्वर सी क्यों दिख रही हूँ? दिक्कत बहुत है जिंदगी में भाई, सवाल तो ऐसी हो रही है। घर वालों से अलग अलग गाली देनी पड़ रही है, बताओ कैसे दिन आ गए। वहाँ दे नहीं सकती, छोड़ देंगे मेरे कहीं रास्ते में, रख लेना फिर पंजाब वालों अपने घर। तो मैं कह रही थी सारा मेरे, तुम तो व्लॉग देखते नहीं, मतलब देखते हो जो जो देखते हो उनके लिए तो दिल से लव यू, और जो नहीं देखते सालो देख लिया करो। ऐसा मत करा करो यार, देख तो लिया करो कम से कम। किसी का ब्लॉग देखने में तुम्हारा क्या ही जाता है। और ये है कि मुझे ही मुझे इंस्टा में फॉलो करो, फॉलो करो, मैं अच्छी अच्छी रील डालती हूँ, फॉलो करो इंस्टा में जाके। तो अब जाके हमें होटल मिला है, मतलब इतनी देर तक हमने सारे इतने सारे होटल देखे, होटल ही नहीं मिल रहा था। और अब जाकर हमें होटल मिला है। लोग इतना बोलते हैं ना पीछे से कि मैं व्लॉग नहीं कर पाती, छोड़ो इग्नोर। तो अब जाके होटल मिला है, अब हम सोच रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल सुबह जाए या अभी जाए। वैसे अब मामा बोल रहे हैं कि ज़्यादा मतलब उसका रात में ही है, तो अभी तो सोच रहे हैं क्या करें। तो मामा कह रहे हैं कि आधा घंटा भी रेस्ट करते हैं, क्योंकि 10:30 तक खुला रहता है और अभी हो रहे 8:30। तो अभी वो करते हैं, फ्रेश होते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, तब शायद अभी चले, शायद क्या अभी चलेंगे। वैसे तो मुझे लग रहा है सबके मूड से। तो आपको दिखाती हूँ गोल्डन टेम्पल, मुझे तो प्रसाद खाना है यार, बहुत ही पिंजरी देते हैं ना हलवा और नेक्स्ट लेवल। तो चलो, तो हम अभी दर्शन के लिए नहीं जा रहे, पर हम अभी ऐसे वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो कपड़े निकालने के लिए बैग खोलना पड़ता, तो इसलिए मैंने क्या करा, मामा का हुडी ले लिया और मामा ने मेरा हुडी पहन लिया। चलो अब बाहर, वो देखो हुडी चो, गोल्डन टेम्पल देखने आ गए हैं। और यहाँ का व्यू भाई साहब, धुंध देख रहे हो पीछे इसकी आँख, थोड़ा ठंडा हो रहा है, पूरा फॉग है ऊपर, पूरा फॉग दूर दूर तक फॉग है।
और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बाल उन्होंने तो अपनी करवा रखी है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ गई, सांस फूल गई यार, उम्र हो गई है लगता है। यहाँ पे मार्केट है देखो, मतलब जैसे वो नहीं लगती संडे मार्केट टाइप, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। बाकी शायद अंदर शूट भी कर सकते हैं, मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। मैं धुंध तो नहीं हो वो देखो अभी हमने जूते उतार लिए हैं और हम जा रहे हैं अंदर, ठीक है। और तो हम जा रहे हैं अंदर, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? भाई तब ठंडी हो रही है ना जमीन, और हमने जूते सॉक्स सब उतारने पड़े क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर जाने से पहले पैर धोने पड़ते हैं। मतलब जो भी आया पंजाबी मेरा व्लॉग देख रहे हो उन्हें बताओगा, बाकी कोई बताओगा, गुरुद्वारे तो हर कोई जाता है। चलते हैं अंदर, बहुत ठंड हो रही है भाई, पैर सुन हो गए मेरे। मम्मी पापा आया पीछे से, भाई बहुत खुला खुला है वैसे यहाँ पे। मतलब मैं पहले गोल्डन टेम्पल आई नहीं ना, अरे मेरे बाप उतरी उतरी है पंजाबी मुंडा, अरे मुंडे लगे तो गड़बड़ लग रही सिस्टम है भाई। गाइस ये देखो, रुको ये देखो सुंदर लग रहा है। हेलो, तो हम गुरुद्वारे से बाहर आ चुके हैं और अब हम मार्केटिंग वापस हमारे रास्ते वापस घर जा रहे हैं। पता है हमें यहाँ फोन भी चुरा के भाग जाते हैं भाई छोटे बच्चे। हम आ गए वापस होटल पे और अब हमने खाना ऑर्डर किया है। अब तबीयत खराब है गाइस, हमने खाना ऑर्डर किया है। और क्या ऑर्डर किया है हमने? चिकन ऑर्डर किया है, मटन भी किया है गाइस, बहुत बजट है हमारा, बहुत चिकन मटन एंड फिश। एक्चुअली क्या है ये जो आदमी है ये बहुत अमीर है, शक्ल से नहीं लग रहा होगा आपको ये, पर ये बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास। इनके पास मुझे मायोनीज खिला दो। तो हम रेडी हो चुके हैं, हाँ मतलब मैं, ये लोग तो अपना चिल कर रहे हैं, मम्मी भी रेडी हो गई है, मैं आप बैठे हैं। अरे ये बड़ा खाने मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पिंक पिंक वो सब दैट्स नॉट पिंक, दैट्स नॉट पिंक, दैट्स पिंक। तो ये है आज का आउटफिट और अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, क्योंकि मैंने मुझे सब की आपको बताया कि हमने शाम को जब हम गए थे हमने दर्शन नहीं किए थे, तो अभी हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे बागा बॉर्डर। अगर वहाँ पे अलाउड है परेड दिखाना? इट्स नॉट बागा, इट्स वागा बॉर्डर, व्हाट एवर। हाँ अनपढ़ औरत सही वहाँ रिकॉर्ड करना अलाउड है? वहाँ तेरे को नहीं, बस तो वहाँ पे अगर रिकॉर्ड करना अलाउड हुआ तो मैं आपको परेड भी दिखाऊंगी। शाम के टाइम पे वहाँ पे शुरू होता है तो हमें यहाँ से 2:30 बजे के करीब कुछ निकलना पड़ेगा क्योंकि दूर है थोड़ा सा। तो चलो फिर, तो हम लोग क्या, मैं तो पापा मम्मी को चिढ़ा रहे।
तो मैं तो रेडी हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी ये लोग मम्मी भी रेडी हो गई, इनको कैमरे में आने का शौक है और कुछ भी नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो मैं तेरे कैमरे पे आने के लिए मैं उधर से बोल रहा हूं। भाई फेमस तो मैं हूं, फेमस लुक सूट डॉग्स। मेरे पापा को थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है, आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, एक बार कैमरा देखना गाइस, कमेंट में बताना इज शी फेमस और नॉट। आई एम। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैं फेमस हूं। सो अनफॉलो हर। अनफॉलोवर खुद के गाइस, इनके 60 फॉलोवर भी नहीं है। इनको ज्यादा पता है। I don't need followers. Everyone is. Everyone is. चलो। एक्चुअली सब मुझे बोलते हैं कि मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलती है, क्या ये सच है? आप बताना शक्ल देख के, कमेंट्स में हाँ लिख देना अगर मिलती है। ऐसी गंदी शक्ल ना है हमारी। इनसे तो ज्यादा सुंदर हूँ मैं, ऐसे पागल है सब मेरे पीछे, समझे ना? क्या हंस क्या रे? सिस्टम है भाई मेरा, कुछ बोल रही थी, मुझे बुला दिया। चलो रेडी क्या पार्टी में? अबे आधे लोग वहाँ वेट करेंगे, आधे लोग घूमेंगे, ऐसे कैसे बोल रही है? हम लोग बैठ चुके हैं रिक्शे में। Subscribe to my channel. बोलो बोलो, अरे आप लोग बात ना करना, अब बात ना करना। अभी हम बैठ गए रिक्शे में और रिक्शा चल गया और हम अभी जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। शाम को दर्शन नहीं किए थे, अभी दर्शन करते हैं। और हमें ना 2:30 बजे रिक्शा टेढ़ा क्यों ना, 2:30 बजे हमें बाघा बॉर्डर के लिए निकलना है और अभी हमें दर्शन करने के लिए अंदर वेट करना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी। अब पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो चीज भी एक देखने वाली बात है। गाइस कितनी ठंड हो रही है ना इधर, मतलब गर्माहट को आपके अंदर गर्मी चलता है। मैं तो बचपन में बैठी थी गाइस, पैंट बजाना हुआ भाई, व्यू चेक करो, फॉग दिख रहा है, फॉग भाई साहब, तगड़ा फॉग, फॉग नहीं फॉग, कबूतर कितने बैठे थे ऊपर। हम जा रहे हैं अंदर, अंदर रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। चलो ये अपनी बंदियों के लिए गिफ्ट लेते हैं, बंदियों के लिए, बंदियों कौन सी बंदी पहनती है भाई? ये तो बंदा ही होगा, ये तो बंदे के लिए लिया है, बंदे को बुला लो। चलो रहने दो, आप तो हिले भी। चलिए चलिए अंदर, रोक लिए पागल हो क्या? मेरा मत लीजिए, मेरा टाइम लग गया, जाओ आप धोने दो। भाई यार इतनी लाइन लग रखी है ना, मुझे नहीं पता रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अरे सब साथ में चलेंगे भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तक, आगे है ना मंदिर, तो आगे तक लाइन है और शायद ऐसे लॉट स्लॉट बना के वो लोग आगे कर रहे हैं। हाँ अलाउ नहीं है, हाँ जहाँ तक है वहाँ तक बना लूँ, अलाउड नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। देख मेरे पीछे देखो आप ना, ऐसे जाना पड़ेगा। कुछ खाया नहीं हमने सुबह से बाबू, चलो मैम। और हम हो चुके हैं लेट, 10 मिनट बचे हैं परेड खत्म होने को, बस पंक्चुअल बहुत ज्यादा पंक्चुअल है हम, 10 मिनट पहले पहुँच रहे, पैदल भी जाना है, अभी अंदर नहीं देख पाएंगे भाई मेरे साथ। अच्छा नींद आई, चलो अगर थोड़ा बहुत भी देखने को मिल गया तो सही है। आ जा।
देखो मेरे पाकिस्तान थोड़ा सा लेट पहुंचे बट लास्ट का देख पाए हम अच्छी था हिंदुस्तान जिंदाबाद बॉर्डर फट फूट गया तो वीडियो बना।